हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज़ या डिसऑर्डर, आप जो भी बोल लीजिए, तो ये क्या होता है? आपने सुना तो होगा ही, फीमेल्स में सब बातें करते हैं कि हाँ इसको पीसीओडी है, इसको पीसीओएस है। बस लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका लाइक हेल्थ केयर से कोई रिलेशन नहीं होता है, उनको बस इतना पता होता है, हल्का फुल्का या मोटा मोटा ये पता होता है कि जिसको पीसीओडी है उसको बेबी करने में प्रॉब्लम आती है। ये सबको पता होगा, आई नो, ये सबको ही पता है। तो चलिए फिर आज हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या होता है एंड ऐसे कौन से 5 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप खुद से कर सकते हैं एंड काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंटेज तक अपने पीसीओडी को लाइक कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो पीसीओडी है ना, वो आपको एक वो हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि 10% ऑफ द वेमेन के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें क्या होता है। सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते, इरेगुलर आते हैं। सेकेंड होता है इसमें इनफर्टिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है, फर्टिलिटी भी नहीं होगी, बेबी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लैक ऑफ ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आता है। नेक्स्ट होता है हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है फीमेल्स के अंदर ना, हेयरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पार्ट्स नहीं भी है हेयरी ग्रोथ के लिए, वहाँ पर भी आपको हेयर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये इंसुलिन रेसिस्टेंट कर देता है बॉडी को, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड एक्ने, लोगों को, जो लड़की फीमेल्स होती हैं उनको दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दाने हो जाते हैं एक्ने की वजह से। तो देखा आपने, ये चीज़ें हैं जो पीसीओडी करता है। अब मैं बात करूँ कि अगर पीसीओडी लाइक कौन से 5 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने पीसीओडी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है मेंटेन हेल्दी वेट। तो देखिए क्या होता है, जो पीसीओडी होता है उसमें डायबिटीज़ 2 हो जाता है, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंट कर देता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर वेट बढ़ जाता है। ओवर वेट बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हेल्दी वेट रखना है। हेल्दी वेट करने के लिए आप प्रॉपर डाइट कंट्रोल करिए, आप अपना एक्सरसाइज पर फोकस करिए, है ना। आपको जिस भी तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, लाइक अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, वो करिए। अब आप सोचोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये वेट मेंटेन्ड वेट है या नहीं है। तो देखिए, BMI करके होता है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, उसको कैलकुलेट करिए। अगर वो आपका 18.5 टू 25 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉर्मल एंड आपका ये नॉर्मल बॉडी वेट है एंड इट यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर वो 18 से कम आ रहा है देन आप लो हैं, और अगर आपका 25 से ऊपर आता है तो ऑब्वियसली बात है आप लाइक ओवर वेट है ना, ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो आपको ये हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट हमारा होता है, इसमें क्या करना है, आपको एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है। इसमें आपको एक मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सरसाइज को करना है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, पैलेट्स कर लीजिए, आपको जो करना है वो करिए, बट आप करिए। क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज आप करेंगे उतना आपकी बॉडी है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस की तरफ के खिलाफ जाएगी, एंड जितना आप करेंगे एंड जितना आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी उतना ही वो पीसीओडी को ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। थर्ड होता है हमारा लो कार्ब एंड हाई फाइबर डाइट लेना है। तो देखिए, जो कार्ब्स होते हैं ना वो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करना है, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट कम लेनी है एंड फाइबर की डाइट ज़्यादा लेनी है। जैसे सब्जियाँ हो गई, है ना, ये सब हो गए, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो नेचुरली बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो ना लेके आप नॉर्मली विटामिन सी रिलेटेड फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो आपको लो कार्ब एंड हाई फाइबर डाइट रखना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो ब्लड शुगर लेवल को कम यूटिलाइज करें एंड मतलब कम करें आपकी बॉडी के अंदर, एंड आपका जो फाइबर इंटेक वो है, फाइबर इंटेक वो ज़्यादा रहे। नेक्स्ट हमारा होता है कि अपने जो ब्लड शुगर लेवल है इसको मॉनिटर रखना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप विजिट पे जा रहे हो आपको तभी वो चीज़ मॉनिटर करनी है, आप इसको एट होम भी मॉनिटर कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको मॉनिटर करके देखें। क्योंकि पीसीओडी का जो मेन फंडा होता है ना, इसको ट्रीटमेंट का या इसकी जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो ब्लड शुगर लेवल ही सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो आपको ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। देखिए क्या होता है, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो आपकी वो एनर्जी बाहर से तो आ नहीं रही है। तो क्या होगा कि जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड जब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूटिलाइज होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी
इंसुलिन रेसिस्टेंट की जो प्रॉब्लम है वो ना होकर एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ जाती है, एंड वो आपको जो पीसीओडी है उसको भी ट्रीट करने में हेल्प आउट करती है। तो देखिए क्या होता है ना, पीसीओडी जो होता है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक वो लाइक लाइफस्टाइल चेंज की तरफ से भी ठीक हो जाता है। तो आपको, आप विजिट भी करोगे तब भी आपको ये चीज़ें करनी ही है एज़ पर इंस्ट्रक्टेड बाई योर प्रोफेशनल डॉक्टर। बट आप खुद से स्टार्ट कर दीजिए, आप इस चीज़ को करिए अच्छे से, एंड ये फाइव कुछ चेंजेस हैं जो आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में लेके आइए। लाइफस्टाइल आप चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है पीसीओडी को भी ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो भी ट्रीटमेंट से पहले आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए ही बोलते हैं, एंड यही लाइफस्टाइल चेंजेस है जो वो आपको उस समय पर बोलेंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आपको पीसीओडी है एंड आप इसमें से कोई भी एक मिस्टेक करें देन प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ, एंड उसको अच्छे से आप आगे फॉरवर्ड करिए एंड अपनी एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ जाइए। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रोफेशनली हेल्प लेना ही है। वैसे तो आप पीसीओडी है, आपको लाइट पीसीओडी है, तो आप ये डाइट चेंजेस करके इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा है, आपको फर्टिलिटी का टाइम है, स्पेशली अगर आप फर्टिलिटी चाहते हैं, आप बेबी चाहते हैं, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको ओव्यूलेशन कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो वो ट्रैक करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उस समय आप फॉलिकुलर स्टडीज़ एंड इन सब के लिए आगे मूव आउट करते हैं, जो कि उस समय आपको हेल्प आउट करता है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं, बट ड्यू टू हो सकता है कि आपको नहीं पता होता है, या आपको इतना अवेयर नहीं होते, या कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब आपको नहीं समझ आता है कि ये सही है या गलत है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, बाय बाय।